बैंक निफ्टी ओपन डेट फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन फिफ्टी थ्री लो लगाया है फोर्टी फोर थाउजेंड एट वन टू हाई लगाया है फोर्टी फोर थाउज़ेंड थ्री एट थ्री एंड क्लोज डेट फोर्टी फाइव थाउज़ेंड वन फिफ्टी सिक्स एस फोर दिफ्टी एट ओपन डेट नाइन्टीन थाउजेंड सेवन सेवन फोर लो लगाया है नाइन्टीन थाउज़ेंड सेवन ट्वेंटी सेवन हाई लगाया है नाइनटीन थाउज़ेंड एट सिक्सटी सेवन एंड फाइनली क्लोजिंग दी है इन थाउजेंड एट वन नाइन है ट्रेडर्स वेलकम बैक टू द नाइंटी परसेंट चैनल टाइम फॉर अवर डेली एनालिसिस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉर्गेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी ऑफ आवर मार्केट अपडेट्स तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूव कर सकता है एंड हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे लास्ट थ्री वीक से डू जी कैंडल्स बना रहा था ये वीक में ब्रेकआउट दे दिया है एंड अच्छी क्लोजिंग दी है वीकली चार्ट पे पुलिस दिख रहा है चलिए डेली चार्ट देखते हैं डेली चार्ट में दो दिन में एटलीस्ट थाउजेंड पॉइंट मूव कर चुका है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अच्छा मूव आया है तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग आवर में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो कल का मार्केट टू वेव्स में देखने को मिल सकता है अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है तो हम बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा जैसे कि हमने देखा दो दिन में थाउजेंड पॉइंट्स के आसपास मूव किया है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस हो सकता है एंड वापस यहाँ तक आ सकता है यहाँ ये सपोर्ट भी है ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था लेकिन इसके ऊपर निकल गया है तो अब एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है कल का मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया होगा उनको ओवरनाइट प्रॉफिट दिखेगा एंड थाउजेंड पॉइंट के बाद गैप अप मिल रहा है तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो बायर्स लोग बुक करना पसंद करेंगे तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हमने ये सेम सेटअप निफ्टी के लिए रखा था फ्राइडे को हमने पी वीडियो में शेयर किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर टू चेक इट आउट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे अगर प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे जा रहा है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं निफ्टी लास्ट थ्री वीक से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था ये वीक में अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है ये वीक थोड़ा साइडवेज टू वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि यहाँ कहीं निफ्टी ने हाई लगाया था तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है निफ्टी यह एक वीक होल्ड करने के बाद ये लेवल को ब्रेक करता है तो बड़ा मूव आ सकता है अगर हम ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें तो ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक आ सकता है आने वाले टाइम में ये लेवल पे होल्ड नहीं करता सीधा निकल जाता है एंड ऑल टाइम हाई बना देता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट भी होगा तो जैसे ही रिट्रेस होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तब भी बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा यहाँ होल्ड करके निकले या फिर रिट्रेसमेंट होने के बाद डेली चार्ट पे कंटिन्यूस सिक्स डे से बुलिस कैंडल बना रहा है यह इंटरव्यू में रिट्रेस हो रहा है लेकिन क्लोजिंग हाई के आसपास ही दे रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड जैसे कि हमने देखा वीकली चार्ट में अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया है तो वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है तो चलिए देखते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं जैसे कि हमने डेली चैट पे देखा इंट्राडे में रिट्रेस होने के बाद क्लोजिंग अपने हाई के आसपास ही दे रहा था लेकिन लास्ट फ्राइडे को लास्ट क्लोजिंग आवर में सेलिंग आई है अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है एंड यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है वॉलेटिलिटी रह सकती है तो बेटर है हम कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करें यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जैसे कि हमने बताया ओवरनाइट प्रॉफिट दिखेगा बायर्स को तो वो लोग बुक करना चाहेंगे विच कैन लीड टू द डाउन साइड सो हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यही सेटअप का वेट हम लास्ट फ्राइडे को कर रहे थे जैसे कि हमने बताया लास्ट फ्राइडे का पी एन एल वीडियो आप चेकआउट कीजिए अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे अगर प्राइस एक्शन के साथ नीचे जा रहा है तब भी हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे ऑल राइट ट्रेडर्स दैट रैप अप आवर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ अप Subscribe to the channel and hit the notification bell. See you all in the next one. Happy trading.